मिनिस्ट्री उसकी अगुवाई कर रहे हैं, एसपीसीपी अनाउंस कर रहे हैं कि अंदर कोई हो तो बाहर निकल आए। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों जो गेट हैं वो पूरी तरीके से बंद है, लेकिन अंदर किसी के होने की आशंका जरूर है, लेकिन किसी तरीके की कोई भी सुगबुगाहट अंदर से नहीं आ रही है। अब यहाँ पर अंदर पहले सर्च किया जाएगा कि कोई घर के अंदर है तो नहीं, उसके बाद अब पीडीए का बुलडोजर इनके जो आवाज है उस पर चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर हम देख रहे हैं डिप्लॉय किए गए। धीरेन्द्र, चलिए अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी हम दे दें कि जावेद पंप के घर पर चलने वाला है बुलडोजर एक्शन के लिए, पीडीए की टीम मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं बड़ी तैयारी के साथ पुलिस पहुंची है यहाँ पर, और हालांकि आशंका भी जताई जा रही है कि घर के अंदर कोई हो सकता है। अब से कुछ ही देर बाद ये कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, बुलडोजर चलेगा आरोपी के घर पर, और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कि अगर उपद्रव फैलाया, तनाव भड़काया तो कार्रवाई सुनिश्चित। प्रयागराज की तस्वीर आप देख सकते हैं, और सबसे ज्यादा प्रयागराज में ही हिंसा भड़की थी, हिंसा फैली थी कुछ लोगों के द्वारा। अराजक तत्वों ने किस तरीके से शहर का माहौल बिगाड़ा था, और अब उनके खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर आया है यहाँ पर और इस घर में बुलडोजर चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, नारेबाजी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, और प्रयागराज में अकेले कई वाहनों को तोड़ दिया गया था, पुलिस वालों को चोटिल किया गया था, पत्थर बरसाए गए थे। जुमे के नमाज के बाद जो हिंसा फैली थी उसके मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर पे भारी पुलिस बल तैनात यहाँ पे हो गई है। आप देख सकते हैं कि कई कंपनी यहाँ पर, पीएसी, कई थानों की फोर्स के साथ आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब आज इनके घर पे नोटिस चस्पा किया गया था, नोटिस चस्पा करने के बाद ये कहा गया था कि 11 बजे का जो समय दिया गया था वो 11 बजे के समय के बाद ही ये पूरे मकान का ध्वस्तीकरण किया जाना था, और अब यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हो गया है। ये देख सकते हैं कि अलीशान मकान है जावेद पंप का, आप देख सकते हैं कि दो मंजिला मकान है जिसमें कि करोड़ों की लागत से मकान को तैयार किया गया था। आज इस मकान को जमींदोज किया जाना है पूरी तरीके से। पीडीए में ये नक्शा नहीं पास कराया गया था, इसके पहले पीडीए ने नोटिस जारी की थी। आप देख सकते हैं कि मकान के इस गेट पे ही यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये यहाँ पर नोटिस चस्पा की गई थी, और 11 बजे तक का समय दिया गया था कि 11 बजे तक इस मकान को खाली कर दिया जाए, उसके बाद पीडीए इस पर कार्रवाई की करेगी। अब यहाँ पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है, और यहाँ पर भारी पुलिस बल, देख लीजिए कि किसी तरीके की हिंसक वारदात ना हो, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जो आसपास की गलियां हैं वो पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं कि किसी तरीके को कोई उपद्रव ना हो सके। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम, लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसलिए क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर चलने जा रहा है, आरोपी के घर पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है बड़ी संख्या में, आप देख सकते हैं तैयारियों के साथ मीडिया के लोग इस वक्त मौजूद हैं, और अब से कुछ ही देर बाद कार्रवाई होगी। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। धीरेन्द्र, सवाल ये है कि ये जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि बिना नक्शा पास कराए मकान है, यानी कि पहले से ये चेक किया गया था कि इनको निकाला जाए, अब यहाँ पर पूरी तरीके से ये लोग श्योर हो गए हैं कि पूरी तरीके से उनको अब बुलडोजर से चलने की कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो गेट है गेट को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि गेट अंदर से लॉक है तो पहले गेट को तोड़ा जाएगा, उसके बाद फिर ये सर्च किया जाएगा या फिर घर के अंदर कोई है तो नहीं। तो पहले तो जो कार्रवाई की हो रही है, जो मेन गेट है मेन गेट को ये तोड़ा जा रहा है, मेन गेट को तोड़ने के साथ अब ये गेट को देखिए खोल दिया गया है। पूरी तरीके से जी धीरेन्द्र, लेकिन सवाल ये, कार्रवाई तो हो रही है, बुलडोजर चलने जा रहा है, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग पहुंचे हैं, अगर इस व्यक्ति का नाम सामने ना आता तो ये घर ऐसे बना रहता, कोई कार्रवाई नहीं होती। धीरेन्द्र, सवाल तो ये भी गंभीर है। आपको आवाज मिल रही है मेरी?
धीरेंद्र, शायद वहां पर भीड़ ज्यादा है, इस वजह से उनकी आवाज उतनी क्लियरली हम तक पहुंच नहीं पा रही है, स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। चलिए इसको हम दुरुस्त करवाने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे। धीरेंद्र, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है आप हम तक। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, अपने दर्शकों को दिखा रहे, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रयागराज से ये तस्वीर है, आरोपी के घर पहुंची है पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में, बड़ी तैयारी के साथ, ताकि फिर कोई ऐसी अराजक स्थिति सामने प्रकट ना हो पाए जिसका सामना पुलिस को करना पड़े। तो जुमे की नमाज के दौरान हिंसा हुई थी और मुख्य जो मास्टरमाइंड है वो जावेद था, जिसका नाम सामने आया था इस मामले में। और जावेद के घर इस वक्त पुलिस पहुंची है कार्रवाई करने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए। देखिए तस्वीरें प्रयागराज से, बड़ी खबर इस वक्त की। अटाला हिंसा के आरोपी के घर पहुंची पुलिस, मुख्य आरोपी जावेद अहमद के घर इस वक्त पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, बड़ी तैयारी के साथ। मीडिया के भी तमाम लोग हैं वहां पर। और ये देखिए बुलडोजर चलने जा रहा है इस घर पर। लेकिन सवाल वही है कि अगर इस आरोपी का नाम यहां पर सामने नहीं आता, घर पर इस व्यक्ति की बात सामने नहीं आती, तो शायद ये घर यूं ही बना रहता। कार्रवाई हुई लेकिन बहुत देर से हुई। जावेद पंप के घर पर ये कार्रवाई शुरू हो गई है, देख सकते हैं बुलडोजर चल रहा है। और कुछ ही देर बाद, यानी कि कुछ ही मिनटों बाद, ये घर पूरी तरीके से जमींदोज हो जाए। और सीएम योगी का सख्त आदेश भी है, जैसा कि सुरक्षा से प्रदेश की खिलवाड़ नहीं करेंगे किसी भी हद से, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रदेश का माहौल बिगाड़ा है, शहरों में तनाव फैलाया है, उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। क्योंकि कड़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस घटना की, और ऐसे में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना सुनिश्चित है। और इस कार्रवाई का जीता जागता उदाहरण आप तस्वीरों में देख लीजिए कि बुलडोजर चलने जा रहा है। तो एडीजी जोन की गाड़ी तक तोड़ी गई थी, काफी बवाल हुआ था इस शहर प्रयागराज में, हिंसा को भड़काया गया था, आगजनी भी हुई थी और कई पुलिस वाले चोटिल हुए थे। उसके बाद अब कह सकते हैं उसकी वसूली की जा रही है आज बुलडोजर के द्वारा। हिंसा तो आपने कर ली, लेकिन अब कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, ये भी आप जान लें। तो पुलिस प्रशासन को एक बड़ी चुनौती देने की कोशिश हुई थी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जावेद पंप के घर से लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन एक बड़ी व्यवस्था के साथ, एक बड़ी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचा है आरोपी के घर। बुलडोजर चलने जा रहा है। इससे पहले पीडीए की तरफ से एक नोटिस चस्पा हुई थी और अब बुलडोजर चलने जा रहा है। तो प्रयागराज में उस दिन हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस प्रशासन के माथे पर पसीना आ गया था कि कैसे इन घटनाओं से निपटे, और वक्त रहते हालात लेकिन पुलिस प्रशासन ने संभाले। और आज जावेद पंप के घर पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं बुलडोजर आया है, बुलडोजर चलने जा रहा है आरोपी के घर पर। और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहीं से की जा रही है कि ऐसे लोग जिन्होंने शहर का माहौल खराब किया है, प्रदेश का माहौल खराब किया है, ऐसे लोगों से निपटना पुलिस प्रशासन को बखूबी आता है। देखिए तस्वीरों में, तो प्रयागराज में जावेद अहमद इस घटना का मास्टरमाइंड है, उसकी बेटी की भी बात सामने आ रही थी, कईयों पर एफआईआर दर्ज हुई है और अब कानून अपना काम कर रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, धीरेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
धीरेंद्र, हिंसा तो फैला ली गई लोगों के द्वारा, उपद्रवियों के द्वारा, लेकिन अब कानून अपना काम कर रहा है, ये तस्वीरों में दिख रहा है। जी बिल्कुल, जो जावेद और पंप है जो प्रयागराज में जुमे के नमाज के बाद जिस तरीके से हिंसा हुई है, आगजनी की गई है, पुलिस पर पथराव किए गए थे, उसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उससे हालांकि पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पीछे की तरफ से उनको एक नोटिस दी गई थी, नोटिस सबका उनके घर पर कर दिया गया था और ये कहा गया था कि जो पीडीओ है उससे इनके घर का नक्शा नहीं पास था, अवैध घर का निर्माण कराया गया था। अब पीडीओ का दस्ता और राजस्व की टीम, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और इनके घर को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दिया। सबसे पहले इनका जो मुख्य दरवाजा था उसके अंदर से लॉक था, उसको जेसीबी के द्वारा उसको पहले तोड़ा गया है, बुलडोजर के जरिए उसको तोड़ के गिराया गया है। फिर पुलिस घर के अंदर सर्च कर रही है कि आखिर घर के अंदर दरवाजा अगर अंदर से लॉक था तो कोई घर के अंदर नहीं है, तो पुलिस अब सर्च कर रही है। सर्च करने के बाद आप बुलडोजर इनके घर पर चलेगा और पूरी तरीके से घर को जमींदोज किया जाएगा। जी जी, यानी कि एक एक चीज का धीरेन्द्र बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है ताकि दोबारा कोई सवाल उठने ना पाए पुलिस पर। धीरेन्द्र जी बिल्कुल, जिस तरीके से नोटिस चर्चा की गई थी उसमें जिक्र किया गया था कि 11 बजे तक का आपको समय दिया जाता है, 11 बजे तक आप पूरी तरीके से घर को खाली कर दें, लेकिन जब यहाँ पर पीडीए का दफ्तर पहुंचा है, पुलिस बल पहुंची है और राजस्व की टीम पहुंची है, तो जो उसका मुख्य दरवाजा था, मुख्य दरवाजे के अंदर अंदर से लॉक था, उसमें ताला बंद था, तो ये आशंका जताई जा रही थी कि घर के अंदर कोई हो सकता है। अब उनसे जो मुख्य दरवाजा था उसको तोड़ दिया गया है, अब घर के अंदर का जो दरवाजा है पुलिस उसको तोड़ रही है। उसके बाद सर्च करेगी कि अगर घर के अंदर कोई है तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं है। अब इस सर्च के बाद ही पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि बाद में कोई सवाल या निशान न खड़ा हो। धीरेन्द्र, बहुत बड़ी तैयारी के साथ पुलिस हम देख रहे हैं और काफी भीड़ तस्वीरों में दिख रही है इस वक्त। धीरेन्द्र, बहुत भीड़ दिख रही है। जी बिल्कुल, आसपास क्योंकि जिस तरीके से बलवाइयों ने दंगा किया था, तो इस कार्रवाई के बाद पुलिस भी पूरी तरीके से चौकन्ना है। आसपास की जो गलियां हैं उनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है कि किसी को आने जाने की कोई मनाही नहीं है। भारी पुलिस बल और पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है कि गलियों के अंदर और घर के ऊपर भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। उपद्रवियों पर भी खासी नजर रखी जा रही है कि इसके बाद इस कार्रवाई में किसी तरीके का कोई विरोध न हो सके, पुलिस इसका भी पूरा ख्याल रख रही है और पुलिस ने चारों तरफ से इस पूरे जैसे जो ये आशियाना है उस पूरे मोहल्ले को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की जवान वहां पर तैनात कर दिए हैं, महिला पुलिस की तैनाती कर दी गई है, तो पूरे एहतियात के साथ यहां पर पुलिस बल पहुंचा हुआ है, राजस्व की टीम पहुंची हुई है, पीजे की टीम पहुंची हुई है, कार्रवाई शुरू की है। धीरेन्द्र, लेकिन सवाल वही है, क्या कड़ा संदेश जाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने तनाव फैलाया था, हिंसा भड़काई थी? धीरेन्द्र जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई के मूड में है, कल राजस्व की टीम और पीडीए की टीम 38 ऐसे जो लोग चिन्हित किए गए थे उनकी सूची ली थी, उनके घरों का पता खोजी है और ये उनके घरों के नक्शे के बारे में जानकारी ली है, उनके आय के स्रोत क्या है, कैसे इतनी बड़ी इमारत इन्होंने तैयार की है, तो सब कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर पुलिस जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर प्रयागराज में हिंसा हुई है, पुलिस कार्रवाई करके बड़ा संदेश जरूर देना चाहती है। ठीक है, धीरेन्द्र, जावेद के घर तो पहुंची है पुलिस, बुलडोजर पहुंचा है, क्या ऐसे और लोगों की फेरिस्त है, कोई लिस्ट वगैरह पुलिस की तरफ से बनाई गई है और अब आगे क्या उनके खिलाफ भी ऐसे ही कार्रवाई होने जा रही है प्रयागराज में? धीरेन्द्र देखिए, अभी तक जो यहाँ पर लिस्ट तैयार की गई थी, कुल 38 लोगों की लिस्ट तैयार की गई थी जो इस हिंसा में शामिल थे, जिनकी की फुटेज में सीसीटीवी में या वीडियो में या फोटो में उनकी तस्वीरें कैद हो गई थी, ऐसे लोगों के खिलाफ नामजद FIR किया गया था। उसके बाद उनकी एक सूची बनाई गई थी, सूची में आप जांच शुरू कर दिया है, पीडीए ने भी अपनी जांच शुरू किया है कि आखिर जो शहर में मकान बनाए हैं इसका नक्शा पास है कि नहीं, और इनके जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से अब ये तैयारी में है कि इनके आय के स्रोत क्या रहे हैं, तो सारी चीजों को पूरी तरीके से पूरी सहनता के साथ यहाँ पर वो जांच करने के बाद ही ये तैयारी कर रही। बिल्कुल कसूरवार धीरेन्द्र ये इतने थे कि पत्थर फेंकने में इन्होंने कोई कमी नहीं दिखाई, बहुत तेजी के साथ पत्थर फेंके और सबसे ज्यादा इस बवाल की आग में अगर कोई जला है तो प्रयागराज ही जला है। धीरेन्द्र, सबसे ज्यादा अराजक स्थिति यहीं पर थी और शायद इसीलिए प्रशासन भी एक बड़ी तैयारी के साथ पहुंची है यहाँ पर। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई चूक न रह जाए, कोई घर के अंदर न रह जाए, पुलिस ये देख रहे हैं कि जो उसका बगल का दरवाजा है वो उसको तोड़ रही है और अब इसके बाद यहाँ पर उसके अंदर सर्च करना शुरू कर दिया है। तो जो मजदूर हैं उनको भी जेसीबी के साथ साथ उनको मजदूर को भी लाया गया है,
तो यहाँ घर के अंदर अगर कोई भी सामान है तो उसको बाहर किया जाए, या कोई व्यक्ति घर के अंदर है तो उसको बाहर किया जाए। तो पुलिस एकदम फूक फूक कर कदम रख रही है कि कोई भी किसी तरीके की चूक न हो जाए। लेकिन एक संदेश जरूर देना चाहती है कि जो उपद्रव करने वाले उपद्रवी हैं उनके ऊपर से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, अब कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दे, ऐसे लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप प्रदेश में माहौल भड़काएंगे, हिंसा फैलाएंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे, और चुनौती से जिस तरीके से चुनौती दी गई आपके द्वारा उससे निपटना हम जानते हैं धीरेन्द्र। बिल्कुल, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उसका साफ साफ यही संदेश है कि अगर आप इस तरह के हिंसक वारदात करते हैं या किसी तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने हैं तो पुलिस इसका जवाब देना जानती है, प्रशासन इसका जवाब देना जानती है। तो वो सब सारी कार्रवाई है, आप देखिए कि एक नहीं अब दूसरा भी ये यहाँ पर बुलडोजर पहुंच चुका है, दो बुलडोजर अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अब ये कार्रवाई अब से थोड़ी देर तो भर्तीकरण की कार्रवाई है अब से थोड़ी देर बाद ही शुरू होने जा रही है। जी धीरेन्द्र, जरा उस दिन का भी जिक्र कर दीजिए हमारे दर्शकों को, बताइए क्योंकि आप खुद ग्राउंड पर मौजूद थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, हुआ क्या था, क्यों ऐसी नौबत आई? जैसे जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर नमाजी इकट्ठा हुए थे, उसके अलावा के पहले प्रशासनिक लोगों ने जो धर्मगुरु थे उनसे पूरी तरीके से संवाद स्थापित किया था। किसी तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई करने की बात नहीं हो रही थी कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर हिंसा बढ़ती है और हिंसा के बाद यहाँ पर जो है लोग सड़कों पर उतर आए, पथराव शुरू कर दिए हैं। तो उसके इसमें से कई ऐसे पुलिस के जवान हैं जो घायल हो गए थे और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था और गाड़ियों में तोड़ फोड़ किया गया था। करीब 5 घंटे तक पूरे पद पर अराजकता का माहौल रहा, लोग ऐसे गुजरता था वहां पर पत्थरबाजों ने उनके पर बेधड़क पत्थर बरसाए थे। इसमें कई ऐसे मीडिया कर्मी थे जो घायल हो गए थे, कई पुलिस के जवान, कई पुलिस के अधिकारी भी घायल हुए थे। पुलिस के तहत जिस तरीके से ये लोग हिंसक वारदात किए हैं अब उनकी सूची तैयार कर ली गई है और सूची के बाद अभी पेशेवर कार्रवाई की जा रही थी। धीरेन्द्र, अब देख रहे हैं हम तस्वीरों में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, धीरे धीरे इमारत को जमींदोज किया जाने लगा है, तस्वीरों में दिख रहा है। देखिए बुलडोजर पहुंच चुका था, बुलडोजर एक नहीं दो बुलडोजर यहां पर पहुंचे हुए हैं, भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। अब पुलिस प्रशासन लगातार जो मीडिया कर्मी है वो उनको वहां से हटाया जा रहा है और बुलडोजर की कार्रवाई अब शुरू करने की तैयारी हो गई। हालांकि एक बुलडोजर ने गेट को तोड़ दिया है, उसके अंदर पुलिस पहले सर्च कर रही है, उसके बाद अब उसके बाद एक एक बारीकी से देखे कि यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने सर्च अंदर भर घुस गई है, यहाँ पर एक एक व्यक्तियों एक एक कमरे की तलाशी ली जा रही है कि उसमें घर में के अंदर आखिर कोई है तो नहीं, कोई सर्च कर लिया है। अब थोड़ी देर बाद ही अब यहाँ पर उनके घर पर अभी बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। तो मेन गेट तोड़ दिया गया है, उसके अंदर जो गेट था उसको भी पुलिस ने तोड़ दिया है, पुलिस घर के अंदर दाखिल हो गई है, एक एक कमरों का सर्च कर रही है कि कोई घर के अंदर नहीं है। अब सर जब जांच बुलडोजर दो पहुंचे हुए हैं, अब कार्रवाई शुरू हो गई है। बिल्कुल धीरेन्द्र, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दे, वो तस्वीरें भी हम दिखा दे कि हिंसा के जो आरोपी थे, हिंसा का जो मुख्य आरोपी था मास्टरमाइंड जावेद, उसके घर पुलिस पहुंची है और यहां पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं धीरेन्द्र, खुद की दो बुलडोजर पहुंचे हैं और बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है आरोपी के घर पर, यानी कि हिंसा हो गई और अब उसकी वसूली हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है और ये कड़ा और बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे तत्वों से निपटना प्रशासन भी सरकार भी बखूबी जानती है। देखिए तस्वीर, तो जावेद पंप के घर